हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोन चैनल डेली स्टॉक। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नौसिल कंपनी के मार्केट में क्वार्टरली वन रिजल्ट्स आ चुके हैं। सो इस रिजल्ट्स के चलते हुए आपको इस शेयर के अंदर किस तरह का मोमेंटम फेज जो है यहाँ पर आपको बनते हुए देखने को मिल सकता है, एज वेल एज लॉन्ग टर्म विजन आपके क्या होना चाहिए, इस कंपनी में आपको निवेश करना या नहीं करना है, तो वो सब भी बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। सो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जो कंपनी के रेवेन्यूज जो उसमें आपको 7% का यहाँ पर आपको राइज देखने को मिला और वो हो चुका है 344 करोड़ रुपीस। एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पर जो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स है उसमें भी आपको ऑलमोस्ट 27% का क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर आपको राइज देखने को मिला है। तो उसी के दौरान आपको शेयर के जो प्राइस है उसमें भी आपको बहुत अच्छा अप ट्रेंड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू जो कंपनी का है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस 224% यहाँ पर बढ़कर हो चुका है 344 करोड़ रुपीस। एज वेल एज जो कंपनी ने पिछले साल 11 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट जनरेट किया था जो कि इस बार बढ़कर हो चुका है 47 करोड़ रुपीस। सो ओवरऑल बेसिस पर कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे और काफ़ी पॉजिटिव आए हैं, तो उसका आपको जो है इंटीमिटेशन वो आपको शेयर की प्राइस में आपको देखने को मिल ही रहा है। मार्केट कैपिटलेशन इस कंपनी का 4,550.76 करोड़ रुपीज़ जो कि इस कंपनी को एक स्मॉल कैप कंपनी जरूर बनाता है। डिविडेंड यील्ड इसका 0.73% ऑन द फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़। बीटा है इसका 1.08 जो कि आपको बताता है कि अगर इंडाइसेस के अंदर अगर आपको 1% का मोमेंटम देखने को मिला तो शेयर के अंदर भी आपको ऑन एन एवरेज बेसिस पर 1.08% का मोमेंटम जो है यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। करंटली इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग चल रहा है 19.69, अगर उसके मुकाबले अगर हम इस शेयर को कंपेयर करें तो काफ़ी महंगा, दैट इज बहुत ही महंगे प्राइस टू अर्निंग पे करंटली शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है, दैट इज 52.6 के प्राइस टू अर्निंग पे। प्राइस टू बुक है इसका 3.57 और बुक वैल्यू शेयर की 76.55 रुपीज़। अगर मैं इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्टैग्नेंट वे में है, जस्ट बिकॉज ऑल दो 2020 में कोविड सिचुएशन थी, कंपनी का जो टॉप लाइन है एज वेल एज बॉटम लाइन है उसके अंदर आपको जरूर डाउन ट्रेंड देखने को जरूर मिला, बट कंपनी ने लॉस जनरेट नहीं किया। कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन है उसके अंदर भी आपको बहुत ही अच्छा आपको राइज देखने को मिला है। ऑल दो अगर हम पिछले साल से इस साल को 2021 को भी अगर हम कंपेयर करते तो कंपनी टॉप लाइन जो है उसे आपको जरूर एक अच्छा सा इंटीमेशन, दैट इज एक अच्छा सा अप ट्रेंड जरूर देखने को मिल रहा है, बट कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, तो ये मेरे से काफी प्रॉब्लम आपको इन फ्यूचर में थोड़ा बहुत देखने को मिल सकती है। ऑल दो अभी कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा और काफी पॉजिटिव हमें यहाँ पर देखने को मिला है। अगर मैं करंटली बात करूँ तो 5.45% की तेजी के साथ करंटली 286 के आसपास करंटली इसने आज अपना जो हाई है वो उसने ब्रेक किया है और करंटली मार्केट में 286.35 रुपीज़ पर आसपास करंटली मार्केट में ट्रेड हो रहा है। सो एज अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो मेरे हिसाब से आप अभी भी करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से भी आप इस कंपनी में निवेश कर सकते हो। ऑल दो एक अच्छी खासी तेजी अगर आपको इस शेयर में देखने को मिले तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत करेक्शन का आपको वेट करना चाहिए, उसके बाद ही आपको इस कंपनी में निवेश करना चाहिए। सो होप करता हूँ कि आपको नौसिल लिमिटेड कंपनी जो मार्केट में क्वार्टरली वन रिजल्ट आ चुके हैं वो आपको अच्छे से पता चल गए होंगे और उसके ऊपर एज ए इन्वेस्टर आपको क्या डिसीजन लेना है वो भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।